हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एबी क्लासेस। मेरा नाम है महावीर। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का ये टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एकदम ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है, जिसको मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये वीडियो पार्ट टू है, इससे पहले मैंने पार्ट वन कराया था, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो इसका सही आंसर जो है एस्टर। एस्टर क्या है? एक मीठी महक वाला पदार्थ है। और ये एस्टर होता क्या है? तो एस्टर वे रासायनिक यौगिक है जो अम्लों, जिसमें कि अर्थ कार्बनिक और अकार्बनिक रहते हैं, उनसे उत्पन्न होता है। और उनमें कम से कम एक OH समूह एल्कालिक समूह से प्रतिस्थापित होता है। प्रायः एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से क्रिया करके बनाए जाते हैं। एस्टर के उपयोग से इत्र भी बनाया जाता है। और जिस तरह का इसमें दूसरा ऑप्शन एथेनॉल है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल जो है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H5OH। और क्वाथनांक क्या है? एथेनॉल का क्वाथनांक जो है 78.37 डिग्री सेल्सियस। और एथेनॉल का आणविक सूत्र जो होता है, ये C2H6O। ठीक है गाइस। और उसके बाद फिर मैथनॉल जो है, मैथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है, और इसे मैथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ एथेनॉल हम लोग पढ़े तो एथेनॉल क्या एक प्रसिद्ध अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। और उसी तरह मैथेनॉल जो है, ये मैथेनॉल जो है, ये कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH है, और जिसे मैथिल अल्कोहल कहा जाता है। कास्ट अल्कोहल और कास्ट नेप्था, मैथिल हाइड्रेट और कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। इसको कास्ट अल्कोहल इसलिए कहा जाता है, मैथिल अल्कोहल को कास्ट अल्कोहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय में यह प्रायः लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त की जाती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पोषण के स्वपोषी रूप, इसका मतलब यह है कि, ठीक है, तो पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो पोषण के स्वपोषी, इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनके नाम का केवल एक वर्ण, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बी फॉर बोरॉन, सी फॉर कार्बन, उसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करता है। आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनके नाम का केवल एक वर्ण उसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करता है? इसका सही आंसर जो है 14 ऐसे तत्व है जिनके नाम का केवल एक वर्ण उसे सांकेतिक रूप से व्यक्त करता है। मीन्स जैसे बोरॉन हो गया, तो बोरॉन का फर्स्ट लेटर क्या है? तो बी। कार्बन का फर्स्ट लेटर सी। इसी तरह से 14 ऐसे तत्व है जिनका केवल एक वर्ण उसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधे पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है? कौन सा पौधा पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है? तो सही आंसर क्या है? थैलोफाइटा ये पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा है, तो ये क्या है? तो गाइस, थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों से विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं, और इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। तो गाइस, ये थैलोफाइटा हो गया। फिर नेक्स्ट जो है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा क्या है?
तो टेरिडोफाइटा वनस्पतियों द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है, और यह एक पुष्प और बीज उत्पादक ब्रायोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधों जैसे कि मॉस से भिन्न होता है। गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे ये नहीं समझ में आता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा हो गया और उसी तरह ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत में उभयचर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत में उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। ये नम छायादार पहाड़ियाँ पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा क्या है, ये नम छायादार पहाड़ियों पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन का आविष्कार, इसका सही आंसर क्या है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, और कब किया गया, तो इसकी खोज 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सही आंसर क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सेल का पावर हाउस या शक्तिग्रह भी कहा जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाकई तौर पर इसे क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरे झिल्ली आबंध कोशिकाओं को सूत्रकर्णिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये नीली हरी शैवाल को छोड़कर जितने भी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को या सूत्रकर्णिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे एवं अंडाकार दिखते हैं। मीन्स अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका आकार कैसा होता है, तो ये कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखें तो ये गोल, लंबे और अंडाकार दिखाई देते हैं। उसी तरह लाइसोजोम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ ऑप्शन में लाइसोजोम है, तो ये लाइसोजोम क्या है, तो लाइसोजोम जो है इसे लयन काय भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोजोम की खोज सी डी दुबे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लाइसोजोम की खोज की थी। और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका में पुट्टिका थैली के रूप में उपस्थित होता है। लाइसोजोम इसकी खोज सी डी दुबे ने की थी, और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका में पुट्टिका के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है गाइस, और यहाँ एक ऑप्शन, ठीक है, लाइसोजोम कंप्लीट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है। तो इसका सही आंसर है, मादा एनिफिलिज। तो कौन सा मच्छर जो है मलेरिया के परजीवी का वहन करता है, तो मादा एनिफिलिज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वहन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक अम्ल और एक क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। मीन्स एक अम्ल या फिर एक क्षारक के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसे निष्प्रभावीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो गाइस ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ऑथेंटिक है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत है जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका सिद्धांत क्या है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आइंस्टीन ने पहली बार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम परिकल्पना के आधार पर की थी।
प्लैंक के क्वांटम परिकल्पना के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार प्रकाश प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। यह क्वांटम भौतिकी की शुरुआत थी। इस कार्य के लिए आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और आइंस्टीन ने पहली बार अपने विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूले E=mc² द्वारा बताया कि पदार्थ तथा ऊर्जा को परस्पर बदलना संभव है। तो गाइस E=mc² द्वारा बताया गया कि पदार्थ तथा ऊर्जा को परस्पर बदलना संभव है और आइंस्टीन ने इस कार्य के लिए आइंस्टीन को कब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1921 में दिया गया। और सापेक्षता का सिद्धांत भी एक आता है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये क्या है, तो जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, यह एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है उसका असली कारण यह है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द के दिक् काल में मरोड़ पैदा करती है। और उसके बाद फिर ब्राउनी गति जो है, ये एक ब्राउनी गति भी बताया गया। तो किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं और ये कण तरल के त्रिवगामी कणों से टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउनी गति जो है यह क्या है, तो टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तरल के अंदर तैरते हुए किसी भी मतलब कोई भी कण जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उसे ब्राउनी गति कहते हैं और ये कण तरल के त्रिवगामी कणों के द्वारा टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं। तो गाइस पूरा क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबेलस है, तो इसका सही आंसर जो है घोड़ा। तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इक्वस कैबेलस। अब यहाँ पर ही ऑप्शन में जेबरा है, जंगली गधा है, तो ये क्या है, तो अब जेबरा जो है जेबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इक्वस कुग्गा। जेबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इक्वस कुग्गा। और यहाँ जंगली गधा भी एक है, तो जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस हैमियस खुर। और चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एसिनोइस जुबेटस। तो गाइस क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो सही आंसर जो है वाष्पन। तो वाष्पन प्रक्रिया के तौर पर समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, 8। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से मिलकर बना है, तो 8 विटामिन से मिलकर बना है। ये कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कंपोज्ड ऑफ 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो B1, इसमें B1 है, B2 है, B3, B5, B6, B7, B9 क्या है, तो B1 जो है जिसे थाइमिन कहा जाता है, B2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है, उसके बाद B3 जो है जिसे नियासिन कहते हैं और B5 पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, B6 इसे पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 बायोटिन कहते हैं और B9 इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। तो गाइस इसे आप नोट कर सकते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये इसमें टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है, तो हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा है। अभी हाइपोथैलेमस ये कहाँ पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस जो है यह एक अधचेतक मस्तिष्क का एक विभाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का है। तो गाइस देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क जो है पूरा इस पर यहाँ पर ही बीच में छोटा सा जो है यही हाइपोथैलेमस है।
गाइस नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में भारतीय, ये क्वेश्चन जो है ये जिस जब ये घटना घटी थी उसके बाद जो एग्ज़ाम ली गई थी उसमें पूछा गया था CHSL का, जिसमें 3 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। जनवरी 2019 में भारतीय वैज्ञानिक जिनको मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जनवरी 2019 में भारतीय वैज्ञानिक जिनको मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है? तो चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, किसको मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जिनका नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई जो है ओम, विद्युत प्रतिरोध का एसआई क्या है? तो ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई है, एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सिया अमेरिकाना, पर्सिया अमेरिकाना जो है ये साधारण रूप से किस रूप में जाना जाता है? पर्सिया अमेरिकाना साधारण रूप में जाना जाता है, तो किसे पर्सिया अमेरिकाना कहते हैं? तो एवोकाडो, एवोकाडो जो है जिसे पर्सिया अमेरिकाना के रूप में जाना जाता है। ये एवोकाडो क्या है? ये रुचिरा या मक्खन लाल मक्खन फल या एवोकाडो कैरिबियाई क्षेत्र से संबंधित एक फल है। एवोकाडो क्या है? तो ये रुचिरा या मक्खन फल या फिर एवोकाडो जो है जिसे हम लोग एवोकाडो कहते हैं, ये कैरिबियाई क्षेत्र से संबंधित एक फल है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि किससे गुजर नहीं सकता? ध्वनि किससे गुजर नहीं सकता? तो गाइज ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता होगा, ध्वनि किससे गुजर नहीं सकता? ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या बिलियन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है, कौन सा नियम है? फिर से मैं बोल देता हूँ, नियत ताप पर, यहाँ ताप जो है नियत है, किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव का बिलियन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तो यह किसका नियम है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम जो है ये इस जिसमें ताप नियत रहता है, इसमें हेनरी का नियम क्या होता है? तो हेनरी का नियम जो है, हेनरी के नियम के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? कौन सी धमनी जो है फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो कौन सी धमनी है? तो ये जो है ये पल्मोनरी सिराएं हैं, पल्मोनरी सिराएं जो है एक ऐसी धमनी है फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमि वायु और जल के बीच संपूर्ण संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जो है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है जीवमंडल कहलाता है, मीन्स भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गाइज मैं कुछ बताना चाहूँगा, गाइज अगर वीडियो की आपको PDF चाहिए, अगर हर वीडियो की PDF चाहिए, इससे पहले वीडियो का भी PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, और अगर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम ऐप में जाके ऊपर में सर्च बार में जाके सर्च कीजिए मेरे चैनल का नाम AB क्लासेस विद महावीर, जैसे ही चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैं क्या हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर इसका PDF और वीडियो मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो चीड़ जो है ये किसका उदाहरण है? चीड़ का उदाहरण क्या है? तो चीड़ का उदाहरण जो है ये क्या है? तो अनावर्त बीजी है। चीड़ जो है ये क्या है? तो एक अनावर्त बीजी है। अनावर्त बीजी जो है ये क्या होता है? तो अनावर्त बीजी या जिसे विवर्त बीज जिम्नोस्पर्म अर्थात नग्न बीज कहते हैं, ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीच फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं। मीन्स अनावृत बीजी जो है ये क्या है?
तो ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीच फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं। यह दशा आवृतबीजी से बिल्कुल विपरीत होती है, जिसे आवृतबीजी मीन्स एंजियोस्पर्म, जिस उन वनस्थितियों से वे बिल्कुल विपरीत होती है। और साइकस जो है, साइकस क्या होता है, तो साइकस में काष्ठ काष्ठ मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिकनोजाइलिक होती है। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है। सबसे बड़ा अंडाणु या शुक्राणु साइकस का होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। उसी तरह गाइस, मोनोकॉट या एक बीजी पत्री मीन्स ऑप्शन के हिसाब से यहाँ एक बीज पत्री भी था, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये इसे मोनोकॉट या एक बीज पत्री कहा जाता है। यह क्या है, तो एक बीज पत्री जो है ये सपुष्पक पौधों का एक समूह है, जिनके बीजों में एक ही बीज पत्र होता है। इनके विपरीत यूडीकॉट पौधों में बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। फूलधारी पौधों की यही तो दो भूमिकाएं श्रेणियां, जो जिसमें कि घास, गेहूं, और इसका एग्जांपल है घास, गेहूं और मक्का। तो गाइज यहाँ पर ये क्या है कि मोनोकॉट जो है ये एक सपुष्पक पौधों का एक समूह है, जिनमें बीजों में एक ही बीज पत्र होता है, और इनके विपरीत यूडीकॉट पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। और फूलधारी पौधों की यही दो मुख्य श्रेणियाँ हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब एक बीज पत्री का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि घास, गेहूं और मक्का। ये क्या है, तो ये एक बीजपत्री पौधा है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो काई, शैवाल या छोटी झाड़ियों किस प्रकार की वनस्पति में आते हैं। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ ये किस प्रकार की वनस्पति में आते हैं। तो ये जो है टुंड्रा वनस्पति में आते हैं। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में आते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, तो मीथेन जो है ये एक प्राकृतिक गैस है, ये कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप क्या है, तो ये C60 जिसे फुलेरिन कहते हैं, और ग्रेफाइट और हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये सभी कार्बन के अपरूप है। गाइस यहाँ देखते हैं किसी, ये अपरूप क्या होता है, तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक तत्व जो कि गुणधर्मी में, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं, तथा इन गुणों को अपरूपता कहते हैं। और गाइज यहाँ पर ही थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कार्बन के अपरूपों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप जो है कार्बन के वे अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, तथा एक निश्चित ज्यामितीय में निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। उन्हें कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। उदाहरण, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। मीन्स हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन जो है ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है, और कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप जो है ये उदाहरण के तौर पर कोल, कोक, काष्ठ, चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन, काजल, ये सभी जो है ये भी कार्बन के अपरूप है, लेकिन ये अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो गाइज अगर पूछा जाए कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप क्या है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, और कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप जो है कोक, कोयला, चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन, काजल, ये सभी जो है गैस कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो ग्लूकोज इनमें से कौन सा ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, तो इनमें से किस में होती है, तो इसका सही आंसर क्या है। तो ग्लाइकेशन, तो इनमें से ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या मीन्स ग्लाइकेजन में ग्लूकोज और प्रोटीन या लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। ग्लाइकेजन जो है, ग्लाइकेजन एक प्रोटीन है, या फिर इसे लिपिड कहिए। ग्लाइकेजन जो है, यहाँ पर ग्लाइकेजन एक प्रोटीन या लिपिड के लिए चीनी का एक सह संयोजक लगाव है। ग्लाइकेजन में भाग लेने वाले विशिष्ट शर्करा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या उनके डेरिवेटिव होते हैं।
ग्लाइकेजन में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं? तो विशिष्ट रूप से शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या उनके डेरिवेटिव जो है उनमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मालुस पमीला जो है ये किस वृक्ष के वैज्ञानिक नाम है? मालुस पमीला जो है ये किस वृक्ष के वैज्ञानिक नाम है? तो मालुस पमीला जो है ये सेब का वैज्ञानिक नाम, सेब वृक्ष का वैज्ञानिक नाम को मालुस पमीला कहा जाता है। और तरबूज का वैज्ञानिक नाम अगर कहा जाए तो सिट्रुलस आइनेटस। अगर केला का वैज्ञानिक नाम का बात करें तो मूसा अक्यूमिनाट, और नारंगी का बात करें तो सिट्रस साइनेसिस। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, अगर तरबूज का बात करें तो सिट्रुलस सिट्रुलस आइनेटस, और केला का बात करें तो मूसा एक्यूमिनाट, और नारंगी का सिट्रस साइनेसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है क्या कहलाती है? वह रक्त कोशिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो पहुँचाती है रक्त को वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है धमनिया। तो धमनिया जो है, धमनिया वाहिकाएं ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन 27। कौन सा फूल है जो वनस्पति रूप में नार्सिसस के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा फूल है जो वनस्पति रूप में नार्सिसस के रूप में जाना जाता है? सही आंसर क्या है? तो डैफोडिल। डैफोडिल जो है ये कैसा फूल है जो कि वनस्पति के रूप में नार्सिसस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लोहा लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? लोहा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? अब ये कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है मीन्स इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो ये 2862 डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है उबलता है। इसका क्वथनांक जो है मीन्स लोहे का क्वथनांक जो है 2862 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 ये कब शुरू किया गया था? चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 ये कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, तो यहाँ पर कहाँ से शुरू किया गया था ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या है? तो श्रीहरिकोटा। तो चंद्रयान 1 जो है ये श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था, और चंद्रयान 1 इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले चांद मिशन के तहत चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसे PSLV एक्सल रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। तो गाइज, और यहाँ पर चंद्रयान 2 के बारे में भी मैंने कुछ बताया है। चंद्रयान 2 जो है इस मिशन की कुल लागत, अभी मैं चंद्रयान 2 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो इस मिशन की कुल लागत जो है 978 करोड़ रुपए थी, और इसमें कुल 14 पैलोट थी इनमें से 13 इसरो के द्वारा और एक नासा के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें देख सकते हैं गाइस कि चंद्रयान 2 जो है इसमें 978 करोड़ रुपए की लागत आई थी, और इसमें कुल 14 पायलट थे जिसमें कि 13 इसरो के थे और एक नासा के थे। चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें कि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस मिशन की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यह पहली बार चांद के साउथ पोल में उतारा गया था। इसका कुल वजन 3877 kg या कहिए 3.8 टन। तो इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो पहली बार चांद के साउथ पोल में इसे उतारा गया था, और इसका कुल वजन 3877 kg था, जिसे कि 3.8 टन कहा जा सकता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, चंद्रयान 2 जो है ये GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था, और इसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30। आधुनिक समय में पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? आधुनिक समय में पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर सीसा, मीन्स पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन जो है ये आधारित पदार्थ जो है वो सीसा कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है। जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से इनमें से कौन एक नहीं है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ये जीव विज्ञानों के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है, और मेंडल की विरासत ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है, और डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत यह भी जीव विज्ञान से रिलेटेड है। तुलनात्मक जैव रसायन की स्थापना ये भी जीव विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ये क्या है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो जिसके अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में ये कहिए, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और यहाँ एक मेंडल जो है, मेंडल का भी नियम है। तो मेंडल ने संस्करण के माध्यम से मटर के कई पौधों का अध्ययन किया और आनुवंशिकता के आधार पर एक व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का वंशानुगत नियम मीन्स मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है? फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फुलमिनोलॉजी जो है ये बिजली चमकना फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। तो बिजली चमकने को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। फुलमिनोलॉजी का अध्ययन किस चीज़ का है? तो ये बिजली चमकने के अध्ययन को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वाकई तौर पर अच्छी लग रही है, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो चैनल को जो है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, और जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में कहा जाना जाता है। तो यह क्या है? तो होमी जहांगीर भाभा। तो किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फोटोफोबिया का अर्थ क्या है? तो फोटोफोबिया का अर्थ जो है यह क्या है? तो प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता जो है जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। गाइज मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और आपको अगर लिंक काम ना करे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जाके ऊपर में सर्च कीजिए AB क्लासेस विद महावीर, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस वर्ष राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रण संचालन उड़ान को पूरी की है? तो किस वर्ष राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान पूरी की है? तो इसका सही आंसर 1903। तो राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली उड़ान भरी थी 1903 में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36। लैटराइट मृदा में आयरन और किस चीज़ की भरपूरता होती है? तो लैटराइट मृदा में आयरन और एल्युमिनियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और लैटराइट मिट्टी जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी प्रायः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। मीन्स लैटराइट मिट्टी जो है इसका रंग लाल होता है, पर यह लाल मिट्टी से बिल्कुल अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। लैटराइट मिट्टी जो है यह अम्लीय होती है, जिसका pH वैल्यू 4 से 5 तक होता है। लैटराइट मिट्टी कहवा एवं काजू उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। लैटराइट मिट्टी में चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूँ, चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना आदि पैदा किए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं? इसका सही आंसर क्या है? तो कॉपर, टीन, जिंक। तो गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं? तो कॉपर, टीन और जिंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं? तो किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाए, तो ये किस तत्व में पाई जाती है? तो फ्रांसियम। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ फ्रांसियम जो है जिसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता पाई जाएगी। और विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। आवर्त सारणी में तत्व, ऐसा तत्व जो कि फ्लोरीन, जिसे F से सूचित करता है, ये विद्युत ऋणात्मकता में सबसे अधिक है। मीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व अगर कहा जाए तो वो फ्लोरीन आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1 पाउंड बराबर कितना ऑन्स होता है? गाइज, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं अगर क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में आए हुए तो आप उससे मिला लेना, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल में जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। 1 पाउंड बराबर कितना ऑन्स होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो 16। 1 पाउंड बराबर 16 ऑन्स होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भिंडी पीत सीरा मोजेक बीमारी फैलने का माध्यम क्या है? तो भिंडी पीत सीरा मोजेक जो है, मीन्स मोजेक बीमारी फैलने का माध्यम जो है ये कीट, ये कीटों द्वारा ये मोजेक बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मीना माता अभी समय पर डैश के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए, मीन्स मीना माता रोग जो है किसकी किसके वजह से होता है? तो मीना माता रोग जो है ये पारे के वजह से होता है। और ये मीना माता रोग क्या है? तो मीना माता रोग जो है ये पारा से संदूषित मछलियाँ खाने के कारण सन 1950 में जापान के निकटस्थ मीना माता खाड़ी के निवासियों को हुई थी। ये पारा जो है पारे द्वारा हुई थी। तो मीना माता रोग जो है ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था कि मीना माता अभी समय पर किसके मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये पारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से यह सुझाव किसने दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनीय अणु से हुई होगी? यह सुझाव किसने दिया कि जीवन की उत्पत्ति जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी? इसका सही आंसर क्या है? तो जेबीएस हाल्डेन ने यह सुझाव पहली बार दिया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि मेरी आप अगर वीडियो का जो आई बटन है, वीडियो के नीचे आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने NTPC की प्रैक्टिस सेट भी कराया है, जो आने वाले दिनों में मैं और आगे कराता जाऊँगा। तो जिस वजह अभी जो है कुछ SSC और इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी जो है रिसेंटली उनका एग्ज़ाम का डेट जो इशू हो चुका है और सामने जो एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं साइंस के सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? तो अमोनियकरण जो है ये प्रक्रिया जो है जल चक्रीय प्रक्रिया नहीं है, जिसमें वाष्पीकरण जो है ये जल चक्रीय प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, ये सभी जो है जल चक्र की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? कौन सा विटामिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो विटामिन डी जो है ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये क्या है? ऐसी अवस्था जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक हो जाती है, शरीर लगातार हड्डी के ऊतकों का अवशोषण और उनको बदलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है में नई हड्डियाँ उतनी तेज़ी से नहीं बनती जितनी तेज़ी से पुरानी हड्डियाँ नष्ट होती रहती है। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा पौधा ब्रायोफाइट्स है? इनमें से कौन सा पौधा जो है वो ब्रायोफाइट्स के कुल का है? इसका सही आंसर क्या है? तो मॉस जो है ये ब्रायोफाइट्स कुल का पौधा है। तो अब इसमें ब्रायोफाइट्स जो है ये मतलब ब्रायोफाइट जो है उभयचर में आता है। ठीक है, इसमें मॉस जो है ब्रायोफाइट्स कुल का पौधा है
और इसमें देखने वाली बात है कि इसमें मैंने पहले भी बता दिया, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा कुछ एग्जांपल है। थैलोफाइटा शैवाल, कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा जाता है। थैलोफाइटा में कवक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा जाता है। शैवाल को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, लाल, भूरा एवं हरा शैवाल। और ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा ये पौधे जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये उभयचर है, लेकिन लीवर वाटर्स, हॉर्न वाटर्स, मॉस आदि की तरह उभयचर होते हैं। ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो गाइज, वीडियो आपको जैसा भी लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और गाइज, आने वाली जितने वीडियो है वो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो गाइज, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो है कॉन्फिडेंस जो और ज़्यादा बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो गाइज़, थैंक यू।